सत श्री अकाल दर्शकों, मैं गुरप्रीत अणखी ते तुसी देख रहे हो जीत वैब टीवी। दर्शकों, पंजाब अंदर चोण अखाड़ा मग्या होया है। कोई पता नहीं लगता कि इस वेले की हो जाए, कोई लीडर एक पार्टी तो कदों दूसरी पार्टी दे विच शामिल हो जाए। जिवें अज टिकट ना मिलण तो दुखी साबका कैबिनेट मंत्री जगमोहन सिंह कंग होरां ने कीता, वह कांग्रेस पार्टी वालों टिकट उन्हां नूं नहीं दित्ती गई ते वह अज आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गए। खैर, दल बदलियां दा दौर पहलां भी चलदा सी ते अग्गे भी यह चलदा रहेगा। हुण गल कर लैंदे आं विधानसभा चोणां दौरान सियासी लाहा लैण वास्ते राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकदियां। जिवें पहलां कांग्रेस पार्टी वल्लों बिक्रम मजीठिया खिलाफ़ नशियां दा मामला दर्ज किया गया, हुण जदों उन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट वल्लों 23 फरवरी तक दी जिहड़ी राहत दे दित्ती गई है, तां पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बीते दिनी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विरुद्ध गैर कानूनी माइनिंग दे मामले च उच्च पद्धरी जांच करन दे जिहड़े आदेश है दे दित्ते हन। ऐन विधानसभा चोणां मौके राजपाल वल्लों जारी कीतियां दा हुक्मां दे पंजाब दी सियासत दे विच हलचल मचा दिती है। पंजाब कांग्रेस की चोण कमेटी के चेयरमैन सुनील कुमार जाखड़ ने इसकी सख्त शब्दों में निंदा की है, जबकि आम आदमी पार्टी वालों राजपाल के इन हुक्मों का स्वागत किया गया है। तुहानू दस देंदे आ कि लंघी जिहड़ी 24 जनवरी नूं पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विरुद्ध गैर कानूनी माइनिंग के दोषों की उच्च पद्धरी जांच करने वास्ते आदेश जारी होए हैं। राजपाल के प्रमुख सकत्तर जे एम बाला मुरगम वालों पंजाब दे डीजीपी नूं एक लिखती पत्र जारी करके इन्हां हुक्मां तों जाणू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हां दी जिहड़ी जांच उच्च पद्धरी होवे ते जिहड़ी रिपोर्ट है राजभवन नूं भेजी जावे, पर राजपाल वल्लों इन्हां हुक्मां दे विच जांच दी कोई भी जिहड़ी समां सीमा उह तय नहीं कीती गई। राजपाल दे इन्हां हुक्मां नूं लै के सरकारी ते कांग्रसी हलकियां दे विच काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माइनिंग नाल है। इस तों पहलां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी साली दे बेटे भुपिंदर सिंह हनी विरुद्ध ईडी वालों नजायज़ माइनिंग के मामले के जिहड़ी कार्रवाई है वह की गई सी। इस कार्रवाई ने मुख्यमंत्री के कई नेड़ले साथियों को भाजड़ पाई रखी। भुपिंदर सिंह हनी तो मुख्य तौर पर रोपड़ चमकौर साहिब च नजायज़ माइनिंग का धंधा करन दे दोष जिहड़े लगे हुए हैं। इस कार्रवाई तो पहला पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आख चुके हैं कि चन्नी की शह से जिहड़ा नजायज़ माइनिंग का जिहड़ा काम है वह उन्होंने हल्के अंदर जिहड़ा वह चल रहा है। फिलहाल पंजाब पुलिस वालों जिहड़ा इस मामले की जानकारी का जिहड़ा काम जिहड़ा किस अधिकारी नूं सौंपिया गया इस बारे कोई भी खुलासा नहीं होया। जिहड़ा महकमे ने इस मामले ते जिहड़ी चुप्पी साधी हुई है, पर देखण वाली दिलचस्प गल यह होवेगी कि पंजाब पुलिस अपने ही मुख्यमंत्री विरुद्ध जांच करन दा हौसला कर सकेगी या नहीं। दूसरे पासे राजपाल के हुक्मां ते अमल करन वास्ते पुलिस विभाग बहुता चिर देरी नहीं कर सकता, पर पंजाब के जिहड़े DGP है वह चोण कमिशन तो इन्हां हुक्मां ते अगलेरी कार्रवाई संबंधी जिहड़ी है मंजूरी वो मंग सकते हैं, क्योंकि पंजाब दे विच चोण जाबता लगन तो बाद जिहड़ी सूबे का समुचा पुलिस प्रशासन है वह चोण कमिशन के अधिकार खेत्र अंदर आ चुका है। उधर पंजाब की चोण कमेटी के कंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील कुमार जाखड़ ने राजकुमार के इन्हां हुक्मां नूं देश के संघी ढांचे के विरुद्ध दसाया है। उन्होंने इत्थों तक आख दिता है कि चोण कमिशन राजपाल दे इस कार्यशैली का सख्त नोटिस लवे तो इन्हां हुक्मां ते अमल संबंधी रोक लावे। सुनील कुमार जाखड़ ने यह भी कहा कि चोण प्रक्रिया चालू होने के दौरान राजपाल नूं अजिहे फैसला नहीं करना चाहिए सी। इस सारे घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी खुश नज़र आ रही है। हलका श्री चमकौर साहब च हो रही नजायज़ माइनिंग संबंधी लाइव होकर खुलासा करने वाले आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह इंचार्ज राघव चड्ढा ने कहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की शह से जिहड़ा नजायज़ माइनिंग का धंधा जोरों शोरों नाल चल रहा है। आम आदमी पार्टी वालों पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित को मंग पत्र सौंप के नजायज़ माइनिंग माफिया के खिलाफ जिहड़ा कार्रवाई करने वास्ते कहा गया है, जिस तों बाद राजपाल वालों जिहड़े अपरोक्त जिहड़े हुक्म आ जारी किए गए हैं। राजपाल वालों अचानक जारी इन हुक्म के पिछे की सच्चाई की है कि सारा कुछ किसी राजनीतिक पार्टी को लाहा दवाने वास्ते तो नहीं किया जा रहा, इसका पता तो आने वाले दिनों च लग सकेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर पंजाब की सियासत है गरमाई हुई है। पंजाब के राजनीतिक माहौल से पल पल की जानकारी देखने लिए जुड़े रहो जीत वैब टीवी के मैनू दौ गुरप्रीत अणखी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल
अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।